हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका WP थीम्स चैनल में। इस चैनल में हम डिफरेंट वर्डप्रेस थीम का इंस्टॉलेशन, उसका डेमो, इंपोर्ट और ट्रबल शूटिंग के बारे में जानते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिस्की सोशल क्वेश्चन एंड आंसर वर्डप्रेस थीम। बेसिकली ये सोशल क्वेश्चन और आंसर वर्डप्रेस थीम सोशल क्वेश्चनिंग के लिए बनाई गई है। तो इसका लेआउट भी बिल्कुल फोरम लेआउट की तरह है और इसके फीचर्स भी उसी तरीके से दिए गए हैं। क्वेश्चन लेआउट, तो आइए हम इसके डेमो को देख लेते हैं। ये है डिस्क थीम का लेआउट। सोशल क्वेश्चनिंग की जैसी वेबसाइट होनी चाहिए, सारे फीचर्स इसमें मौजूद हैं और काफ़ी स्टैंडर्ड और स्टनिंग लुक दिया गया है एक सीरियस क्वेश्चनिंग वेबसाइट की तरह। तो आइए हम इंस्टॉल करते हैं जिसके वर्डप्रेस थीम। हमारे पास है वर्डप्रेस का फ्रेश इंस्टॉलेशन। इस पर अभी डिफ़ॉल्ट थीम 2020 इंस्टॉल है। इसमें हम प्रेस डिस्की इंस्टॉल करेंगे और डेमो इंपोर्ट करेंगे। हमारे पास थीम पैक है डिस्की। डिस्की के अंदर हमें इसके जिप, इसके चाइल्ड और डॉग्स मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका इंस्टॉलेशन। वर्डप्रेस पैनल के अपीयरेंस के थीम में जाएं, ऐड न्यू, अपलोड थीम, प्रोस, disk.zip या सीधा सर्वर पे भी अपलोड कर सकते हैं। मैं समय बचाने के लिए सर्वर पे अपलोड कर रहा हूँ। WP कंटेंट के थीम फोल्डर में जाकर थीम फाइल को अपलोड कर देनी है disk.zip। लाइट वेट थीम है और जल्दी हो जाएगा। disk.zip अपलोड हो चुका है। एक्सट्रैक्ट कर लें। disk.zip को डिलीट कर दें, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। disk फोल्डर आ चुका है, थीम्स के सारे फाइल आ चुके हैं। थीम्स में जाएं, डिस्क आ चुका है, डिटेल्स देख लें। डिस्क 4.3.1 एक्टिवेट करें। एक्टिवेशन के साथ ही हमें वेलकम स्क्रीन आता है जिस पे कि सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थीम ऑप्शंस देखें, डेमोज को इंपोर्ट करें, इंक्लूडेड प्लगइन्स करें, तो सी थीम ऑप्शंस देखते हैं और डिस्क के थीम ऑप्शंस हमारे सामने हैं। पहले हम प्लगइन्स और इसके डेमो कंटेंट्स अपलोड कर लें, इंपोर्ट कर लें। तो इंस्टॉल प्लगइन्स में जाएं, लेफ्ट पैनल में WPQA इंस्टॉल कर लें। एक्टिवेट करें। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल कर लें। एक्टिवेट कर लें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7।
थीम के प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं। अब थीम की स्थिति, वेबसाइट की स्थिति देख लेते हैं। थीम इंस्टॉल हो चुका है, अभी डेमो कंटेंट रहते हैं, तो हम डेमो कंटेंट इंपोर्ट करेंगे। डेमो कंटेंट थीम पैकेज में अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन वो मुझे मिल नहीं पाया है अभी तक। डॉक्स के अंदर भी नहीं अवेलेबल है थीम पैकेज में, तो डेमो कंटेंट के लिए हम दूसरे ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। थीम ऑप्शंस में भी, थीम पैनल में भी डेमो कंटेंट का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फाइल मैनेजर में ऑलरेडी थीम पैक चुके हम इंस्टॉल कर चुके हैं, तो डेमो कंटेंट साथ में मोस्टली चला ही जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ डिस्क के यहाँ एक डेमो फोल्डर है, डिस्क के .xml है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसके साथ हम डेमो इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। XML फाइल को इंपोर्ट करने के लिए टूल्स में जाएं, इंपोर्ट ऑप्शंस, यहाँ वर्डप्रेस इंस्टॉल नाउ, रन इंपोर्टर, ब्राउज फाइल डाउनलोड्स में, अपलोड एंड इंपोर्ट, यहाँ पे यूजर असाइन करना होगा, तो हम सारे एक्टिविटी के लिए यूजर असाइन कर देते हैं। डाउनलोड एंड इंपोर्ट अटैचमेंट्स सबमिट, ये मैसेज आएगा ऑल डन F1। तो अब हम देखते हैं पेजेस हमारे पास आए हैं या नहीं। हाँ सही, पेजेस आ चुके हैं हमारे पास। और होम पेज एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, होम पेज हमारा आ चुका है। तो थीम्स के डेमो भी आ चुके हैं हमारे पास। और एक बार हम होम पेज सेट कर देते हैं। पोस्ट तो इसमें कुछ होना नहीं था, फिर भी कुछ ना कुछ पोस्ट भी आए होंगे डेमो कंटेंट में, वो भी हम चेक कर लेते हैं। जी हाँ, 4 पोस्ट पे आए हैं। मीडिया फाइल्स की इसमें तो कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, तो होम पेज सेट कर लेते हैं। अपीयरेंस कस्टमाइज, ये स्टैटिक पेज। होम पेज में हम होम सेलेक्ट कर लेंगे, पब्लिश, वेबसाइट देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक, हमारी वेबसाइट विथ डेमो कंटेंट अब पूरी तरह से एक्टिव है, जो हमने सेलेक्ट किया था। कुछ आइकन्स रह गए हैं डेमो में, तो वो तो हम थीम पैनल से कर सकते हैं। फीचर्स वगैरह सारे हम चेक कर चुके हैं और ये सही चल रहे हैं। थीम पैनल को एक बार देख लेते हैं। वेबसाइट तो हमारी कंप्लीट हो गई।
डेमो कंटेंट के साथ। थीम पैनल्स में हम डिस्क में जाएं, डिस्क के डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं। जनरल सेटिंग, मोबाइल ऐप, इसमें एडिशनली दिया हुआ है मोबाइल ऐप की सेटिंग। अगर हम मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने वाले हैं इस थीम का तो कर सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन, हेडर सेटिंग, रिस्पॉन्सिव सेटिंग, पोस्ट सेटिंग, क्वेश्चन सेटिंग, पॉपअप शेयर, कैटेगरी मॉडरेटर्स, कैप्चर सेटिंग, यूजर सेटिंग, ग्रुप सेटिंग, मैसेज सेटिंग, बेजेस एंड पॉइंट सेटिंग, कमेंट्स एंसर, सर्च सेटिंग, साइड बार, स्टाइलिंग एंड टाइपोग्राफी, सोशल सेटिंग्स। तो इस तरह से हमने डिस्क के थीम ऑप्शंस का भी ओवरव्यू कर लिया है और पूरा थीम वेबसाइट एक्टिव कर लिया है। तो अब आप इसके कस्टमाइजेशन की ओर बढ़ सकते हैं। अगर इस थीम के इंस्टॉलेशन और डेमो इंपोर्ट में आपको कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। देखते रहिए वर्डप्रेस थीम चैनल, हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे थीम्स लेकर आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।